हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम मी। दिस इज सोनल सकलानी। क्विक एग्री कॉन्सेप्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द सॉइल वाटर रिलेशनशिप। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सॉइल वाटर, सो व्हाट इज बेसिकली सॉइल वाटर? अगर आप पहले क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनरल जो सॉइल होती है उसमें बाय वॉल्यूम कितना कितना कॉम्पोजिशन होता है किस चीज का। सो मिनरल सॉइल में 45% तो मिनरल होता है, ठीक है, 5% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है और एयर और वाटर प्रेजेंट होते हैं इन द माइक्रो पोर्स एंड द मैक्रो पोर्स। ठीक है, दो टाइप के पोर्स होते हैं सॉइल में, मैक्रो पोर्स और माइक्रो पोर्स। इनमें क्या है, एयर और वाटर प्रेजेंट होती है और ये इसका जो कॉम्पोजिशन है वो इंटरचेंजेबल है। मतलब कि अराउंड 50% तो ये दोनों ही एक्वायर करती हैं, लेकिन इन दोनों के कॉम्पोजिशन में अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंडीशंस की, कभी हमने इरिगेशन ज़्यादा दे रखा है, कभी ड्रॉट के कंडीशन है, तो उसके हिसाब से क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है। आइडियली कितना होना चाहिए, 25% वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, 25% एयर प्रेजेंट होना चाहिए इनके मैक्रो और माइक्रो पोर्स में। Now, why this water is important? This, जो soil का water है, जो कि इसमें present होता है, वो important है for the proper growth of the plant, for proper productivity. अगर water present नहीं होगा तो specially during the critical irrigation जो stages होती different crops की, अगर उस time पे water present नहीं होगा, plant को available नहीं होगा, तो क्या होगा, उसकी जो overall yield है किसी भी crop की वो कम हो जाती है। So that's why जो वाटर है, सॉइल वाटर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, सॉइल फर्टिलिटी एंड द वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द प्लांट। नाउ कमिंग टू डिफरेंट सॉइल वाटर कंडीशंस, क्या क्या अलग अलग कंडीशंस होती हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है सैचुरेशन कंडीशन। अब सैचुरेशन कंडीशन कब होती है, जब भी हम बहुत ज्यादा इरिगेशन जब इनिशियली देते हैं या फिर देयर इज हैवी रेनफॉल होती है, तो क्या होता है, जो भी इसके मैक्रो और माइक्रो पोर्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो सारे क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं विद द वाटर। नाउ एट दैट कंडीशन, जब सब जगह सैचुरेशन आ चुका है, उसको कहते हैं हम सैचुरेटेड कंडीशंस। सेकेंड कंडीशन हमारे पास फील्ड कैपेसिटी कंडीशन। नाउ फील्ड कैपेसिटी कंडीशन क्या होती है, जब अराउंड 24 to 48 hours हो जाते हैं, 24 to 48 hours जब कंप्लीट हो जाते हैं आफ्टर कोई रेनफॉल है या फिर फ्लड आया था या फिर क्या है, हमने इरिगेशन जब दिया था, जब सैचुरेटेड कंडीशन हो गई थी, उसके बाद हम जब पानी बंद हो गया है, सप्लाई उसका बंद हो गया है, उसके 24 to 48 hours बाद क्या होता है, जो भी ग्रेविटेशनल वाटर है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट है, वो इसके मैक्रोपोर्स से क्या है, नीचे चला जाता है। ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे चला जाता है और सिर्फ इसके जो माइक्रोपोर्स होते हैं उन्हीं में क्या है, वाटर प्रेजेंट रहता है। सो एट दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड द फील्ड कैपेसिटी। नाउ दूसरी कंडीशन क्या आती है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कौन सी कंडीशन है, जब फर्दर हमने कोई इरिगेशन नहीं दिया, कोई भी वाटर सप्लाई नहीं करा, इसको क्या है, जो भी वाटर प्रेजेंट था वो धीरे धीरे क्या है, डिप्लीट होने लगता है। नाउ डिप्लीट होते होते एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर इस कंडीशन से और ज्यादा अगर पानी और डिप्लीट हुआ और ज्यादा एवेपोरेशन हो गया, अगर हमने सप्लाई नहीं करा इसमें इरिगेशन, तो क्या है, फर्दर जो भी इसमें क्रॉप लगाई है, जो भी प्लांट्स हैं, वो विल्ट हो जाएंगे और वो सूख जाएंगे एंड फाइनली दिल डाई। सो दैट इज कॉल्ड दी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। नाउ डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स है इसके सॉइल मॉइस्चर कंडीशन के, वो हम पढ़ लेते हैं। पहले जो मैंने आपको बताया सैचुरेशन कंडीशन, ठीक है, फिर उसके बाद आती है फील्ड कैपेसिटी। नाउ ये फील्ड कैपेसिटी को क्या है, हमने एक स्पेसिफिक यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि कितना उसमें पोटेंशियल होना चाहिए या कितना हमें इसमें सक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव दिस वाटर, या प्लांट को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब दिस वाटर। तो जो सैचुरेशन कंडीशन होती है वहां पर 0 bar का प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है, whereas जो फील्ड कैपेसिटी है वहां पर -33 bar का प्रेशर चाहिए होता है इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब दिस वाटर। फिर आती है हमारे पास नेक्स्ट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वाली कंडीशन, इसमें -15 bar का प्रेशर चाहिए होता है। फिर उसके बाद फर्दर कंडीशन आती है हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक वाटर की, -31 bar।
अब यही जो अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये इनके बेसिस पे क्या है, हमने वाटर को भी, वाटर का जो फॉर्म है उसको भी डिवाइड कर रखा है। अब कैसे डिवाइड कर रहा है, देखो जो फर्स्ट है सैचुरेशन से लेके फील्ड कैपेसिटी तक, उसमें क्या है, सुपर फ्लो इस वाटर है, मतलब कि फ्लो कर देता है वाटर। अगर आप अगर ये इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, रन ऑफ कर जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को कहते हैं सुपर फ्लोएस वाटर। और इस कंडीशन में जो भी वाटर मैक्रोपोर्स में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, फाइनली नीचे चला जाता है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके, जो वाटर है एक्स्ट्रा वाटर है वो नीचे चला जाता है। सो दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल वाटर। इन दोनों कॉन्स्टेंट के बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है दैट इज अ ग्रेविटेशनल वाटर, बिकॉज ये ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में आके नीचे चला जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। ओके, अनदर वन वी हैव द फील्ड कैपेसिटी और क्या है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बीच में, फील्ड कैपेसिटी और हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है -31 bar, इनके बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है दैट इज द कैपिलरी वाटर। नाउ कैपिलरी वाटर क्यों, क्योंकि ये कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यही कैपिलरी वाटर का एक पार्ट है अवेलेबल वाटर, क्यों, क्योंकि फील्ड कैपेसिटी से लेके विल्टिंग पॉइंट तक जो वाटर प्रेजेंट होता है -0.33 bar से -15 bar तक जो वाटर प्रेजेंट होता है वो ही सिर्फ अवेलेबल होता है प्लांट्स को, वो ही प्लांट्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद अगर कोई वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वो वाला क्या होगा, वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। एंड ऑल दो वो कैपिलरी वाटर में ही आता है, कैपिलरीज में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द अनअवेलेबल वाटर। तो विल्टिंग पॉइंट के बाद हाइग्रोस्कोपिक तक क्या होगा हमारा, अनअवेलेबल। इसके बाद भी सारा क्या है, अनअवेलेबल ही वाटर है, प्लांट को अवेलेबल वो नहीं है। यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो कॉन्स्टेंट है, इसके बाद वाला वाटर हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी कहते हैं। और ये बेसिकली क्या है, कोई भी जो सॉइल पार्टिकल है उसके अराउंड एज अ फिल्म के फॉर्म में क्या है, ये अटैच होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, फिल्म की तरह होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये अवेलेबल नहीं होता किसी भी प्लांट को। सो दीज आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर। Now that is it about the soil-water relationship. अब आपके लिए question दिया गया है, इसका आपको नीचे comment section में answer करना है। Question है, which type of water is held between the tension of 1/3 to -31 atmosphere? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस ऑप्शन का आपको नीचे आंसर करना है। ऑल्सो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स लिखने की, तो आप ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल वाटर एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर एंड एक्सप्लेन हाउ फार्मर्स कैन इफेक्टिवली मैनेज सॉइल वाटर फॉर ऑप्टिमल क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। इसका आंसर आप लिख के टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज इट अबाउट द क्विक एग्री कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए आप चैनल के साथ ट्यून इन रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।